कुछ दिन पहले सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब यहां डिस्कशन के लिए आए, मेरी बात सुनने आए, इसके लिए आपको पहले ही मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। कुछ दिन पहले मैं रायबरेली गया था और वहां मुझे मोची की दुकान दिखी, तो मैं वहां रुक गया। मैं उनके पास जाके बैठ गया, समझना चाहता था ये कर क्या रहे हैं। बातचीत हुई और मैं उनको देख रहा था, मोची हैं, हाथ में अनलिमिटेड स्किल थी उनकी, मतलब 30-40 साल का एक्सपीरियंस था। मैंने वो जूता लिया, मैंने बनाने की कोशिश की, वो मतलब सवाल ही नहीं उठता, मतलब मुझे 1-2 साल लग जाएंगे मतलब शुरू करने में। बातचीत हुई, मैंने पूछा क्या हो रहा है, कैसे चल रहा है। उन्होंने कहा ये जो मेरा बेटा है ये पहले मेरे साथ काम करता था, अब नहीं करता है, ये भाग गया, चला गया। तो मैंने कहा और फिर उन्होंने मुझे बोला कि राहुल जी, मेरी लाइफ में सिर्फ एक व्यक्ति ने, मेरे पिता ने मेरी रिस्पेक्ट की है और किसी ने मेरी रिस्पेक्ट नहीं की, और ये सब लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। तो मैंने कहा, उनसे कहा कि तुम्हें मालूम कैसे कि मजाक उड़ाते हैं? नहीं, कभी कभी तो मुझे सीधा बोल देते और कभी कभी दूसरे लोग मुझे आके कहते हैं। मैं जब जा रहा था मैं सोच रहा था इतना हुनर है, इतनी स्किल है और किसी से इनको इज्जत नहीं मिल रही, और ऐसे हजारों लोग हैं और ये हिंदुस्तान में हर रोज हो रहा है। इस देश में हुनर की इज्जत है ही नहीं, जिसके पास स्किल है, जिसके पास हुनर है, जो काम करना जानता है, उसकी इज्जत है ही नहीं। रियलिटी है ये देश की। और ये सारे के सारे जो नेटवर्क्स हैं, 21वीं सदी में हम इसको नेटवर्क कह सकते हैं, चाहे ये बड़ाइयों का नेटवर्क हो, मोचियों का नेटवर्क हो, धोबियों का नेटवर्क हो, इन सब में बहुत गहरी स्किल छुपी हुई है। हाथ मिलाने से पता लग जाता है, आप धोबी से हाथ मिलाइए, वो ऐसा दबाता है हवा निकल जाती है। मैंने किया है, वो जैसे पकड़ता है ऐसे लगता है कि भैया 10-15 लोगों ने पकड़ लिया हाथ। आप बड़ाई का हाथ पकड़िए, उसमें दिख जाता है। और फिर मैंने मोची भाई से बात की और मैं जो सिस्टम में काम करते हैं उनसे भी बात करता हूं, तो मुझे अंदर से दिखता है, बाहर से भी दिखता है। तो फिर जब मैं उनके साथ बैठा था, मुझे एक बात याद आई, यूपीए की सरकार थी और स्किल डेवलपमेंट मिशन यूपीए के सरकार ने शुरू किया, मतलब उसमें एक नए व्यक्ति को चीफ बनाया और उन्होंने मुझसे टाइम मांगा, तो मैंने कहा मिल लेता हूं, तो आए। टाटा कंपनी के लिए काम करते थे, आए बैठे और उन्होंने मुझे, इंजीनियर थे शायद,
उन्होंने मुझे हिंदुस्तान की जो स्किल डेवलपमेंट है उसके बारे में उन्होंने बोला। मैं सुना आधा घंटा बोले कि हम आईटीआई बनाएंगे, आईटीआई में लोगों को ट्रेनर बनाएंगे, ये पूरा उन्होंने डिस्कशन किया। मैं सुन रहा था और फिर मैंने उनसे सवाल पूछा। मैंने कहा देखिए आप आईटीआई में ट्रेनर लाते हो, वो बढ़ई को कारपेंटरी सिखाता है, प्लम्बर बनाता है, मगर आपने एक बात कभी सोची? कहते हैं क्या कि आप कह रहे हो स्किल डेवलपमेंट, मगर हिंदुस्तान में स्किल की तो कोई कमी नहीं है। मतलब आप आईटीआई में बढ़ई तैयार कर रहे हो, मगर हिंदुस्तान में लाखों पर बढ़ई हैं, उनसे आप क्यों नहीं ट्रेनिंग कराते? तो ये थोड़ा चौंक गए। मतलब मैंने कहा मतलब बता देता हूं। मान लीजिए आपको नाइट ट्रेन करने हैं, आप सर्टिफिकेशन सेंटर खोल दीजिए, हर डिस्ट्रिक्ट में आप एक सर्टिफिकेशन सेंटर खोल दीजिए और उत्तर प्रदेश के हर नाई को कह दीजिए देखिए भैया आप गुरु हो, आप शिष्य लो, उनको तैयार करो, अपनी अपनी दुकान में तैयार करो और फिर उनको सर्टिफाई करो। अगर आपके जो शिष्य हैं सर्टिफाई हो जाएंगे, आपको हम 100, 200, 500 हजार रुपए बैंक अकाउंट में डाल देंगे। मतलब जो स्किल का नेटवर्क है उसका प्रयोग क्यों नहीं करते आप? बिल्कुल चुप हो गए। मतलब मुझे देख रहे थे कि ये मतलब व्यक्ति पागल है, इसको क्या हो गया। मतलब आप आईटीआई में, अच्छा मजे की बात बताऊं, ये जो हमारे ये मोची भाई हैं, इन्होंने मुझे बोला कि राहुल जी मोदी जी ने नया प्रोग्राम शुरू किया, मुझे वहां बुलाया, मैं गया और फिर मुझे कहते हैं कि आपकी ट्रेनिंग कराएंगे। राहुल जी मैं तो 40 साल से मोची का काम कर रहा हूं। सुनो मैं वहां गया, वो जो उनका ट्रेनर था उसको मैं सिखा के आ गया। तो बात क्या है, चाहे नाई हो, बढ़ई हो, प्लम्बर हो, धोबी हो, मोची हो, किसान हो, नॉलेज इनके हाथ में है, मगर सिस्टम इनसे कोई बात ही नहीं करता। सिस्टम दूसरे डायरेक्शन पे चल रहा है। आपने आईटीआई बना दी, हमारी सरकार ने बनाई, मगर उसका जो नॉलेज सिस्टम है उसका तो कोई कनेक्शन ही नहीं है। तो मैंने उनसे कहा देखो मैं आपको बताता हूं, अगर आपने नाइट ट्रेन करने हैं, मान लो आपने हिंदुस्तान में 10 लाख नाई ट्रेन करने हैं, आप हिंदुस्तान के नाइयों को पकड़ो और कहो भैया आप ट्रेन करो, 6 महीने में 10 लाख नाई आपके सामने आ जाएंगे और कोई ज्यादा पैसा भी नहीं लगेगा। मगर ना, तो हो क्या रहा है, गाड़ी का इंजन होता है ना, उसमें सिलेंडर होते हैं, मोटरसाइकिल में कभी 1 सिलेंडर होता है, 2 सिलेंडर की होती है, ट्रक 8 सिलेंडर की, 10 सिलेंडर की होती है। हिंदुस्तान में, मान लो हिंदुस्तान में हिंदुस्तान के इंजन में 10 सिलेंडर है, काम सिर्फ 1 सिलेंडर कर रहा है। मतलब 90% लोग बाहर बैठे हुए हैं और देख रहे हैं और उनके सिस्टम में कोई भागीदारी है, भागीदारी नहीं। उनके सिलेंडर में ना पेट्रोल मिलता है, ना मेंटेनेंस होती है,
ना कोई चेकिंग होती है, एक सिलेंडर छोटा सा टक 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 चल रहा है, कह रहे हैं भैया दुनिया में, और कहते हैं भैया सुपर पावर बन जाएगा। कैसे सुपर पावर बन जाएगा? 90% लोग सिस्टम के बाहर बैठे हुए हैं, हुनर उनके हाथ में है, स्किल उनके हाथ में है, ज्ञान उनके हाथ में है, उनका कोई कनेक्शन ही नहीं है। तो इसीलिए हमने जाति जनगणना की बात उठाई है, और थोड़ा कंफ्यूजन है, थोड़ा कंफ्यूजन है। देखिए बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि भैया देखो हम जाति जनगणना करेंगे, उसमें ओबीसी का सेक्शन दे देंगे। जाति जनगणना सबसे पहले सिर्फ वहां ओबीसी लिखना का कोई मतलब नहीं है। अलग 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 कम्युनिटीज हैं, हम हर कम्युनिटी की लिस्ट चाहते हैं, पहली बात। दूसरी बात, हमारे लिए यह सिर्फ सेंसस नहीं है, हमारे लिए यह पॉलिसी मेकिंग का फाउंडेशन है, मतलब नींव है। और हम सिर्फ जाति जनगणना की बात नहीं कर रहे हैं, मैं यहां क्लियरली कहना चाहता हूं, जाति जनगणना से सिर्फ आबादी पता लगेगी, वो बहुत जरूरी कदम है, क्योंकि भागीदारी से पहले आबादी के बारे में पता होना पड़ेगा, क्योंकि भागीदारी तक हम बिना आबादी के तो पहुंच ही नहीं सकते। मगर आबादी लास्ट कदम नहीं है। आप यह मत सोचिए कि आइडिया यह है कि भैया जाति जनगणना हो गई, उसमें सबकी गिनती हो गई और बात वहां खत्म हो जाएगी। नहीं, यह मेरा विजन नहीं है, यह पहला कदम है। मेरा विजन है कि हिंदुस्तान में धन किस प्रकार से बांटा जा रहा है, ओबीसी के हाथ में कितना है, दलितों के हाथ में कितना है, मजदूरों के हाथ में कितना है, पहली बात। दूसरी बात, हिंदुस्तान के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ब्यूरोक्रेसी हो, जुडिशरी हो, मीडिया हो, इसमें इन लोगों की कितनी भागीदारी है? मतलब हम यह समझना चाहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा था कि एक व्यक्ति को एक वोट मिलेगा, मतलब सारे के सारे हिंदुस्तान के जो सिटीजन हैं वो समान, एक समान है, एक जैसे हैं। तो हम ये पूछ रहे हैं कि अब 70 साल हो गए, कॉन्स्टिट्यूशन हमारे सामने है, इसका समाज पर इफेक्ट पड़ा है हां या ना, और कितना पड़ा है? पड़ा है, मगर अगर मैं कॉरपोरेट इंडिया को देखूं और लिस्ट निकालूं और हिंदुस्तान के 500 सबसे बड़े उद्योगपतियों की लिस्ट निकालूं, मैंने निकाला है, उसमें आपको एक भी दलित, एक भी आदिवासी, एक भी पिछड़े वर्ग का व्यक्ति नहीं मिलेगा। और सिर्फ कॉरपोरेट इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं, आप जुडिशरी देख लीजिए, कॉरपोरेट इंडिया देख लीजिए, मीडिया देख लीजिए। आप मुझे बता दो, नेशनल मीडिया में दलित एंकर का नाम बता दो, मुझे आदिवासी एंकर का नाम बता दो, ओबीसी एंकर का नाम बता दो, कौन है बता दो। तो नैरेटिव बनाते हैं ना। आप देखिए हिंदुस्तान में 50% आपने कहा कि आधी आबादी ओबीसी है, उसमें आप 15% दलित जोड़ दीजिए, 8% आदिवासी जोड़ दीजिए,
माइनॉरिटीज की बात मैंने अभी की भी नहीं, 73 आता है, 73% दलित आदिवासी ओबीसी, कॉर्पोरेट इंडिया में जीरो, मीडिया में जीरो, आप हुई नहीं। तो अब हम अगर पॉलिसी बनाएंगे और हिंदुस्तान की जो सच्चाई जो रियलिटी है उसकी बेसिस पे हम पॉलिसी नहीं बनाएंगे तो उसका क्या मतलब है? तो मैं आपसे यह कहना चाहता था कि जाति जनगणना हमारे लिए सिर्फ गिनती नहीं है, जाति जनगणना हमारे लिए पॉलिसी फ्रेमवर्क है और एक प्रकार से हमारा गाइड, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन हमारा एक गाइड है जिसपे ये लोग रोज आक्रमण कर रहे हैं, जाति जनगणना, सोशियो इकोनॉमिक सर्वे, इंस्टीट्यूशनल सर्वे, ये हमारा दूसरा गाइड होगा। और हमारा लक्ष्य है कि जो मैंने आपसे कहा कि 10 सिलेंडर की गाड़ी है, 9 सिलेंडर बंद पड़े हुए हैं, तो हमारा लक्ष्य है कि 10 के 10 सिलेंडर काम करें। आप मुझे बताओ, पूरा का पूरा बैंकिंग सिस्टम, पूरा का पूरा बैंकिंग सिस्टम, नरेंद्र मोदी ने 16 लाख करोड़ रुपए 25 लोगों का कर्जा माफ किया है। शेम, 16 लाख करोड़ रुपया। अच्छा, उन 25 लोगों में एक दलित नहीं था, एक आदिवासी नहीं था, एक पिछड़ा नहीं था, एक माइनॉरिटी नहीं था। तो पूरा का पूरा बैंकिंग सिस्टम 15 लोगों के लिए बनाया गया। ये जो हमारे भाई हैं जो मोची का काम कर रहे हैं, जिनको पूरी लाइफ में इज्जत नहीं मिली, इनके लिए एक बैंक क्यों नहीं है जो इनकी मदद करे? कह कि हम स्पेशलाइज बैंक बनाएंगे सिर्फ इनके लिए। तो पॉलिसी मेकिंग फ्रेमवर्क का यह मतलब है, हमारा काम हिंदुस्तान की 100% आबादी की मदद करने का है, हमारा काम 5% 10% आबादी की मदद करने का नहीं है। वो सरकार का काम हो ही नहीं सकता, और उसके लिए हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए। 21वीं सदी है, हमें डेटा चाहिए, डेटा है ही नहीं। आप नोट कीजिए, मैंने दो चीजें कही हैं। मैंने कहा है कि जाति जनगणना, सोशल इकोनॉमिक स्टेट सेंसस, इंस्टीट्यूशनल सेंसस हम कराएंगे, और 50% का जो बैरियर है जिसको हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं, फ्रेंकली बोलूं तो इसको हम उड़ा के फेंक देंगे। ये दो चीजें मैंने कही हैं, और मगर उसके बाद मैंने आज तक सुनिए, आज तक, उसके बाद हम क्या करेंगे मैंने नहीं बोला है, क्योंकि पहले मैं चाहता हूं कि हमारे सामने डेटा हो कि भैया इतने दलित हैं हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशन में, उनकी इतनी भागीदारी है। रिजर्वेशन की बात होती है मगर चांस नहीं मिलता, सच्चाई है, सब जानते हैं। उल्टा उल्टा हो जाता है, लैटरल एंट्री हो जाती है। मैं आपको गारंटी देता हूं, लैटरल एंट्री में आपको 90% का कोई नहीं मिलने वाला। एक साइड आपको लैटरल एंट्री से मारते हैं, दूसरे साइड कॉन्ट्रैक्टर। तो मतलब नीचे देखो वहां पिटाई हो रही है, ऊपर देखो वहां पिटाई हो रही है, साइड देखो वहां पिटाई हो रही है, मतलब जहां भी देखो। और 90% आपकी आबादी है। अब अगर आपकी 10% होती तो कोई कह सकता, हाँ भैया 10% आबादी है, ठीक है, बट 90% आबादी, आपके बिना देश ही नहीं चल सकता। और फिर मीडिया में आपको दिखेगा, भैया एक पहले क्या होगा, वो बॉलीवुड की बात करेंगे, वहां पे डांस गाना दिखेगा, उसमें भी आपको कोई 90% का नहीं मिलने वाला।
कोई नहीं मिलेगा। मैंने चेक किया भाई, मैंने लिस्ट निकाली है। मैंने कहा भैया मिस इंडिया की लिस्ट निकाली मैंने, मैंने कहा देखता हूं, मैं कहता हूं देखो यार। अच्छा अब कहते हैं मिस इंडिया की लिस्ट निकाली मैंने, सुनो सुनो, मैंने मिस इंडिया की लिस्ट निकाली। कहा ठीक है देखते हैं, मतलब माइनॉरिटी भी 90% में आती है मैडम, आप भी शामिल हैं, और आपको और शायद जो आपके साथ हो रहा है वो सबसे ज्यादा खराब है, मतलब आप पर तो डायरेक्ट आक्रमण हो रहा है राइट, मगर आप ही 90% में हैं। तो मैंने लिस्ट निकाली मिस इंडिया की, मैंने कहा भैया इसमें तो होगा, मतलब एक दलित महिला तो होगी, एक आदिवासी महिला तो होगी, ना ना दलित है ना आदिवासी ना ओबीसी, कोई नहीं, तो डांस गाना चलेगा वहां पे, कोई क्रिकेट की बात करेगा, कोई बॉलीवुड की बात होगी, किसानों की बात नहीं होगी, मजदूरों की बात नहीं होगी। आपने कभी मीडिया में मोची का इंटरव्यू देखा है? बस मेरे चैनल पे आ रहा है और किसी चैनल पे नहीं आ रहा। आप चाहे मोची हो, बढ़ई हो, प्लम्बर हो, धोबी हो, कभी नहीं दिखेंगे, और ये देश को चलाते हैं लोग। और फिर मीडिया में कहते भैया मोदी जी गले लग गए, सुपर पावर बन गया, कभी वो यूक्रेन भागेंगे, कभी रूस भागेंगे, वो कभी गले लगेंगे, और फिर भैया सुपर पावर बन गया, सुपर पावर बन गया, मतलब कैसे बन गया, 90% लोग मतलब शामिल ही नहीं है उसमें, बेरोजगार है, भूख लग रही है। तो पूरा का पूरा मतलब डिस्कशन वही 10-15 लोगों में होता है, वही एंकर हैं, वही एक्सपर्ट हैं, वो 5-6 लोग हैं, वही बोलते रहते हैं एक दूसरे से, और बाकी हिंदुस्तान देखता रहता है। इसलिए ऐसे डिस्कशन बहुत जरूरी है कि भाई 90% क्या सोच रहा है, क्या हो रहा है, क्या इश्यूज हैं, क्या मुद्दे हैं। अच्छा आप एक और बात नोट कीजिए, किसी की टांग टूटती है, वो कहता है भैया मैं हॉस्पिटल में जाके एक्सरे करना चाहता हूं, कभी कोई उससे कहता है नहीं नहीं करो एक्सरे? कभी नहीं, कोई नहीं कहेगा ना कि भैया एक्सरे मत करो, वो चिल्ला रहा है कि भैया मेरी टांग टूटी है, लोग कह रहे नहीं एक्सरे मत करो, नहीं। बट यहां ये हो रहा है, मैं कह रहा हूं जाति जनगणना करना है, एक्सरे करना है, सारी मीडिया वाले कह रहे हैं नहीं करना है, क्यों नहीं करना है? मतलब हमने उसके बाद एक शब्द नहीं बोला क्या करेंगे, हमने सिर्फ ये बोला कि भैया हमें डेटा चाहिए, दलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं, माइनॉरिटीज कितने हैं, जनरल कास्ट के लोग कितने हैं, गरीब जनरल कास्ट के लोग कितने हैं, और कौन सी संस्थाओं में बैठे हैं, बिजनेस में कितने हैं, बॉलीवुड में कितने हैं, मिस इंडिया में कितने हैं, बस हम पता लगाना चाह रहे हैं। सारे के सारे मीडिया वाले मोदी जी कहते हैं नहीं भैया पता नहीं लगाओ, देश को बांट रहे हो। भाई 90% की हम बात कर रहे हैं, आप कह रहे हो देश को बांट रहे हैं, कैसे देश को बांट रहे हैं? मतलब हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि भैया 90% लोगों के पास भागीदारी है, हां या ना चेक करो, कहते नहीं देश को बांट रहे हो। तो जो भी संस्थाएं हैं, इलेक्शन कमीशन हो, मीडिया हो, फ्री मीडिया हो, जुडिशरी हो, ये सारी की सारी संस्थाएं कहां से आई? ये इधर से आई। आप इसको मिटा दो तो हिंदुस्तान में एक संस्था नहीं बचेगी, कोई इलेक्शन कमीशन नहीं बचेगा, कोई रिजर्वेशन नहीं बचेगा। जो आपने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन से फायदा मिला, वो 5-10 साल में सब खत्म हो जाएगा। तो जाति जनगणना जो है
वो इसको मजबूत करने का काम है। ये आप समझिए, कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा हम कर रहे हैं जाति जनगणना के थ्रू। क्यों? क्योंकि इसको 10% ने नहीं बनाया है, इसको 100% ने बनाया है। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि इसकी सबसे ज्यादा रक्षा आप लोग करते हो। इसकी रक्षा गरीब करते हैं, किसान करते हैं, मजदूर करते हैं, दलित, आदिवासी, पिछड़े लोग, गरीब, जनरल कास्ट के लोग इसकी रक्षा ये करते हैं। अदानी जी इसकी रक्षा नहीं करते। तो जाति जनगणना जो है, जिसको कास्ट सेंसस कहते हैं, इंस्टीट्यूशनल सर्वे जो हम करवाना चाह रहे हैं, इकोनॉमिक सोशल सर्वे जो हम कराना चाह रहे हैं, वो सब इसकी रक्षा है। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर हमने 90% को भागीदारी नहीं दी और 90% को हमने हिंदुस्तान के स्ट्रक्चर में शामिल नहीं किया तो ये नहीं बचेगा। तो इसीलिए ये पैरेलल ट्रैक है। मुझसे किसी ने पूछा, आप संविधान की बात कर रहे हो और आप जाति जनगणना की बात कर रहे हो और आप रिजर्वेशन को 50% से बढ़ाने की बात कर रहे हो। मैंने कहा ये एक, तीनों एक ही चीज है। ये दोनों जो चीजें हैं इसको बचाने की। क्योंकि अगर हम देश में 90% लोगों को भागीदारी नहीं देंगे तो ये नहीं बचने वाला। और हमारा लक्ष्य इसको बचाने का है। ये हिंदुस्तान के गरीब लोगों का प्रोटेक्शन है, किसानों का, मजदूरों का, ये प्रोटेक्शन है। इसके बिना, जैसे पहले होता था राजा महाराजा के टाइम में, जो मूड में आता था कर देते थे। वो मोदी जी मॉडल चलाने की कोशिश कर रहे हैं, महाराजा वाला, वो शाहिनशाह वाला मॉडल, हमने मोदी जी को ये करवा दिया। आप अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल समझते हो, आप अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल समझते हो, आप अपने आप को डायरेक्ट भगवान के साथ कनेक्शन समझते हो। रॉन्ग नंबर। चुनाव के एकदम बाद ये मैंने कहा, देखो हिंदुस्तान के किसानों ने, मजदूरों ने सिर झुकवा के कॉन्स्टिट्यूशन से मत्था लगवा दिया। और ये काम हम नहीं कर रहे हैं। आप मत सोचिए कि राहुल गांधी और ये सब लोग ये काम कर रहे हैं। नहीं, ये हिंदुस्तान के अंदर से आवाज आ रही है, हम उस आवाज को सुन रहे हैं बस। और ये जो स्ट्रेंथ है, जो शक्ति है, ये हिंदुस्तान के अंदर से आ रही है, हिंदुस्तान के गरीब लोगों से आ रही है, और इसको कोई रोक नहीं सकता। अब अगर कोई सोचे, मैं आपको बता देता हूं, पॉलिटिकल बात बता देता हूं, आप लिख लो, अगर कोई सोचे कि जाति जनगणना को रोका जा सकता है या 50% बैरियर को रोका जा सकता है, मैं आपको बता रहा हूं वो सपने देख रहा है। ये होगा ही होगा। इसको रोका नहीं जा सकता है, ना जाति जनगणना रुकेगा, ना सोशियो इकोनॉमिक सर्वे रुकेगा, ना इंस्टीट्यूशनल सर्वे रुकेगा, ना 50% का बैरियर रहेगा। ये तीन सारे के सारे उड़ेंगे, क्योंकि हिंदुस्तान की जनता ने यह मन बना लिया है। ऑर्डर आ गया है, जनता से ऑर्डर आ गया है। अब आपको प्रधानमंत्री जी को यह बात एक्सेप्ट कर देनी चाहिए और ऑर्डर लागू कर देना चाहिए, और अगर नहीं करेंगे तो फिर दूसरे प्रधानमंत्री करेंगे। आपके साथ देखिए, मैं आपको अंत में एक बात बताना चाहता हूं। देखिए, मैंने अब 2004 से मैं पॉलिटिक्स कर रहा हूं, ठीक है, और एक प्रकार से काफी सीखने को मिला मुझे।
बीजेपी बीजेपी वालों ने मुझे तंग किया, डिस्टर्ब किया, उनको मैं गुरु मानता हूं कि इन्होंने 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 ही मुझे सिखाया, इनके बिना मैं नहीं सीख सकता था। मैं बता रहा हूं, आप लोग नहीं सिखाते मुझे, आप लोग मुझसे प्यार करते हो, आप नहीं सिखा सकते, उन्होंने मुझे सिखाया। तो वो एक प्रकार से मुझे उन्होंने डायरेक्शन दी, भैया क्या नहीं करना है, उधर देखो वो नहीं करना। तो एकदम मुझे पता लग जाता है, मैं सुबह उठता हूं क्या नहीं करना, उधर देखता हूं अच्छा वो नहीं करना, ऑटोमेटिक है। वो मेरी ओर देखते हैं, कहते भैया क्या नहीं करना, वो राहुल गांधी कर रहा मत करो। तो ये तो बिल्कुल मतलब पता नहीं आइडियोलॉजिकल है, खून की पता नहीं कौन सी लड़ाई है, बट ये मतलब शायद पता नहीं कब से चल रही है और ये खत्म नहीं होगी। मगर हर राजनीतिक हर राजनेता के लाइफ में, हर में नहीं मगर जो सीरियस राजनेता होते हैं उनकी लाइफ में कभी कभी राजनीति से आगे चीज बढ़ जाती है। मैं जाति जनगणना राजनीति के लिए नहीं कर रहा, ये आप मत सोचिए, मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है। मैं पता क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मुझे जब मैं और मैंने हजारों लोगों से बात की है, जब मैंने उस मोची भाई से बात की ना और उसने मुझे बताया कि किसी ने मेरी इज्जत नहीं की लाइफ में, मैं इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। मैं इस बात को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं हूं कि हिंदुस्तान में ऐसे लोग हैं जिनको जिनके पास हुनर है, एक्सपीरियंस है, समझ है, मगर रिस्पेक्ट नहीं। मैं इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता, बाकी लोग एक्सेप्ट कर ले मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मेरे लिए ये औजार है, जाति जनगणना हो, 50% रिजर्वेशन हो, मेरे लिए ये जो हिंदुस्तान के जो आत्मा है, 90% जिसको मैं कहता हूं गरीब लोग हैं, किसान हैं, उनको इस देश में शामिल करने की के औजार है। और मेरे लिए ये मिशन है, मेरे लिए ये इसमें कोई मतलब, आप देखोगे आने वाले समय में पॉलिटिकल नुकसान भी होगा तब भी करूंगा, आप देख लेना। तो बोलने तो दीजिए, एक बार मैं छोटा था, अच्छा सुनिए सुनिए दादी, एंड करता हूं मैं अपनी साइकोलॉजी थोड़ी सी आपको साइकोलॉजी समझा देता हूं। मैं छोटा था, सुनिए सुनिए थोड़ी सी मैं आपको, तो हुआ क्या, एक दिन एक जर्नलिस्ट आए मेरे पास, लव यू ब्रदर, एक जर्नलिस्ट आए मेरे पास, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, तो आप वो मेरे पास आए, जो मैंने आपको अभी बोला ना नुकसान हो जाएगा तो भी करूंगा, तो उसको समझा रहा हूं। तो सीनियर जर्नलिस्ट आए बैठे मेरे पास, उन्होंने कहा राहुल जी एक सेकंड भाई, आए मेरे पास सीनियर जर्नलिस्ट और उन्होंने मुझे कहा राहुल जी मैं
पाकिस्तान के नेता थे, पता नहीं मुशर्रफ थे या नवाज शरीफ थे, मैं उनको बहुत अच्छी तरह जानता हूं, उन्होंने मुझे कहा। तो मैंने कहा, तो उन्होंने कहा कि मैं उनसे जाके मिला और मैंने उनसे कहा कि देखिए, अगर आपने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में पीस करवा दी तो बहुत अच्छा होगा। तो फिर उस व्यक्ति ने, पता नहीं मुशर्रफ था या कौन था, मुशर्रफ ने कहा क्यों, और जर्नलिस्ट ने कहा कि क्योंकि अगर आप हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में पीस करा दोगे तो सदियों के लिए लोग आपका नाम याद रखेंगे। लॉजिक ये थी, मैं सुन रहा था, मुझे बता रहे थे, मतलब कि आपको नाम याद रखवाने के लिए काम करना चाहिए। मतलब मैं सोच रहा था, और जैसे मैं सोच रहा था, सुन रहा था उनकी बात, मुझे एक बात और याद आई। यही सवाल मैंने दादी से पूछा था जब मैं छोटा था। मैं दादी के पास गया, मैंने कहा दादी जब आप मरेंगी, मरने के बाद आपको कैसे याद, लोग कैसे याद करना चाहिए, लोगों को आप कैसे याद करना चाहिए। दादी का जवाब पता है क्या था? मैंने कहा आप क्या चाहती हैं कि लोग आपको कैसे याद करें? हाँ नहीं, उनका जवाब था मैं चाहती हूं कि याद ही ना करें। मतलब क्लैरिटी थी, मैं काम याद करवाने के लिए नहीं करता हूं, मैं काम काम करने के लिए करता हूं, मुझे याद शायद का कुछ नहीं लेना देना। वो याद, वो यो जो याद वाला है वो नरेंद्र मोदी जी का काम है। तो मुझे, मेरी थिंकिंग है कि हिंदुस्तान के 90% की जो शक्ति है वो हिंदुस्तान को बनाने में लगे। इंजन, पूरा इंजन स्टार्ट हो, 10 के 10 सिलेंडर चलें और लोगों को मजा आए कि भैया हिंदुस्तान है, इसमें भागीदारी है, इसमें रिस्पेक्ट है, इसमें आदर है, और हम सब मिलके इस देश को आगे ले जा रहे हैं। धन्यवाद, नमस्कार।